आम आदमी को रहता है हमेशा मन में डर, क्या होगा घर पे पुलिस आ गई अगर। ये मार्किंग देख रहे हैं जी? 31 दिसंबर को यहाँ हमें एक बॉडी मिली थी। क्या गुनाह हुआ राजेश के हाथों जो पुलिस ने हवालात का रास्ता दिखाया? एक छोटे से कागज की कमी ने बहुत बड़ा सबक सिखाया। अरे दीपक भाई, अरे कैसे हो उंगली कुमार? एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, वो आप हमेशा ऐसे उंगली खिंचवा के तय करते हैं ना कि क्या लू, ये लू या वो लू, तो हर बार नहीं। ओके, इस बार मुझे केले चाहिए। अच्छा, कैसे दिए केले? अब आइए ना सर, आइए आइए। कौन सा लेंगे? कर्पूरवली केला, नेत्रण केला, रेड बनाना, मोनाथन केला, रसथली केला, वन इलायची केला या रोबस्ता? केला कैंसल, ग्रेप्स खरीदूंगा। ग्रेप्स है ना? है ना सर। हाँ, तो 1 किलो ग्रेप्स दीजिए। ओके सर, कौन सी लेंगे? कैलिफोर्निया, अनाबेशाही, गुलाबी, दिलखुश, सीडलेस थॉमसन या शरद सीडलेस? आइए सर मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट, ये प्रॉब्लम यही है, आप लोग इतनी वैरायटी दिखाते हो ना कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, और फिर जब मैं ऐसे ऐसे करके उंगली दिखाता हूँ तो फिर। सर आपका जो वो उंगली वाला ऑप्शन है ना, मुझे कबूल है। वही तो करना पड़ेगा ना अभी, क्योंकि तुम ना बिल्कुल वंदना की तरह हो। ये केला? हाँ। ये अंगूर? हाँ। अरे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, सच कहता हूँ, पूरे मुंबई में ना हर दुकान में एक वंदना बसी हुई है। अरे क्या 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 कर रहे हो यार, चोरी करना गलत है। मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। कौन सा पुलिस, कौन सा पुलिस? ये देखो कितना सारा सामान, तीसरी बार चोरी की है इसने, अंदर करो इसको। तीसरी बार? तू मुझे अंदर करवाएगा? मुझे? अरे पुलिस स्टेशन चल के मैं खुद गवाही दूंगा, अपनी आंखों से देखा है तुम्हें भागते हुए। अच्छा, तो वो तेरी दोनों आंखें कैसे बचती है ना, वो मैं भी देखता हूँ। अगर मैं हवालात में गया ना तो तेरी हवा बंद कर दूंगा, याद रखना। कब हुए? थर्सडे को। चलो वाट का पंगा ले लिया। क्या बोला? क्यों बना चोरी के विटनेस? क्यों बने? नहीं, क्यों बने चोरी के विटनेस? चोली की थिकनेस बंधु। हाँ, ज्योति भाभी को तो बुलाओ। ज्योति भाभी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। पूरे 100 साल जीऊंगी मैं। वो आपको पंगा ले रहा हूँ। इन्होंने कहा खामखा बने आप चोरी के विटनेस। चोरी के विटनेस? अच्छा अच्छा, पर क्यों ना बने विटनेस? गलत आदमी को पकड़वा कर अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभाया राज ने। ओए पियो, इसमें नहीं थूकना है। अब पुलिस पूछताछ करती है तो करने दो ना। राइट राइट क्या? अरे चप्पल घिस जाएंगे पुलिस चौकी के चक्कर काट काट के। मैं तो जा चुका हूँ ना जेल। क्या अभिमान है आपको? अरे मतलब हमारे पार्टनर ने हमारे साथ फ्रॉड किया था हमारा नाम लेकर, तो अरे को 3-4 दिन अंदर रहना पड़ा था। अच्छा, क्या 2001 की बात है? ओ। और पूरे 2.5 लाख रुपए जमानत भी दी थी 20 साल पहले। उस हिसाब से अभी जोड़ लो राजेश भाई, पूरे 25 लाख भरूंगा अगर अभी जेल गया तो। हाँ। पर जेल जाना ही क्यों है? तो बोर होते होंगे ना सिंगापुर और हांगकांग जाके, कितना घूमेंगे जेल में जाके आता है? क्या जोक जोक? अरे यार। अच्छा जो, ज्योति बस। बस पुलिस ने सामने से छोड़ दिया होगा। तब ये हाथ सैनिटाइज कीजिए। गलती से गिर गया सर। सर सर, आपके लिए हेडक्वार्टर से अर्जेंट कॉल है सर। पुलिस यहाँ क्यों आई होगी अगे मैया? चलो चलो चलो, गेम बंद करो, खाना रेडी है। बैगन का भरता, काले चने की घुगनी, हरे मटर के पकौड़े, मक्की की रोटी और आज का स्पेशल आइटम सरसों का साग, शुद्ध पंजाब वाला। वाह। और शुद्ध राजस्थान से घेवर, वो भी रबड़ी के साथ, शुद्ध राजस्थानी भैंस का घी। राजस्थान में भैंस डायरेक्ट घी देती है क्या? जोक जोक। अरे अर्शद भाई। अच्छा जोक। चलिए राजेश भाई। चल हम। चल मेरी बात मानो, ये पुलिस के जंजाल से निकलिए वरना लंबे हो जाओगे लंबे। तिवारी, ओ तिवारी। जी सर, ये ले, फिफ्थ फ्लोर वाली मिसेस मेहता के जूते हैं ये।
पूछकर तो लिए है ना सर। अब वैसे आप पर जचेंगे नहीं सर ये। जब्त करके लाया हूँ जब्त। अच्छा अच्छा। घर के बाहर रखे थे उसने ये जूते। तिवारी, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे ते फूल्स। सर आपको तो पता है वो सेल्फ फ्री है, अपने पति को नहीं छोड़ दी सर, आपको भी दो चार लगा दिए तो। अरे मैं किसी से डरता नहीं हूँ, पुलिस में अच्छी खासी पहचान है मेरी, एक आवाज लगाऊंगा तो दौड़ी दौड़ी चली आएगी पुलिस। Excuse me? देखा अभी तो केवल मैं बात ही कर रहा था तो चिराग के जिन की तरह हाजिर हो गई पुलिस। ये राजेश वागले कहाँ मिलेंगे? 8th फ्लोर वाले राजेश वागले। अरे एक फ्लोर पर एक एक वागले रहते हैं क्या? नहीं 801 राजेश वागले। बंधु बैंगन का भरता इज टेरिफिक। दासानी की लैंग्वेज में कहूं तो पटना में मेरे भी भाई का रेस्टोरेंट था लेकिन वो तो जल गया। सिलेंडर फटा था एक। क्या अरशद आप भी, एक नहीं 3 सिलेंडर फटे थे। अरे बाप रे। ओ तो फिर उस दिन खाना नहीं बिका होगा ना रेस्टोरेंट में। कौन खरीदेगा जला हुआ खाना? जोक 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 था बस। बस। वैसे राजेश भाई पटना के हर अखबार में मेरे भाई की फोटो आई थी कि होटल ओनर संजीव जोशवानी गिरफ्तार, होटल में आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं। बहुत फेमस हो गया तो इनफेमस बोली। इनफेमस भी फेमस इन न्यूज़पेपर, फेमस इन टीवी चैनल, इनफेमस। एक्सक्यूज मी, वंदना दरवाजे के बाहर नो एंट्री का बोर्ड क्यों नहीं लगवाया तुमने? क्या करूं मैं? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, यही है मिस्टर राजेश वागले। बोला था ना मैंने क्यों पंगा लिया पुलिस से? बोला था मैंने पंगा ले लिया विटनेस बनके, क्यों लिया? आपको हमारे साथ जोगीनगर पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक में आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, उल्टा मैंने तो उस चोर को पकड़ा था। हाँ तो ऐसे गले से पकड़ा होगा, बेचारे का दम घुट गया होगा। आपको सब कुछ पता है, मैं मेरी वर्दी आपको दे दूं? नहीं नहीं, फिर तो ये पुलिस स्टेशन जाकर बोलेंगे रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न कर रहे थे फूल्स। नहीं लेकिन सॉरी लेकिन बताइए ना क्या माजरा क्या है? मिस्टर वागले बेहतर होगा कि आप हमारे साथ चलें क्योंकि मामला मर्डर का है। मर्डर? क्या बोल रहे हैं आप ये? ओहो, देखिए इंस्पेक्टर साहब देखिए, जैसे लाड साहब को पता ही नहीं कि मर्डर क्या होता है। अरे मर्डर मर्डर, किसी को जान से मारना जिसके लिए सजा होती है दफा 302। इनको भी अंदर ले चलो। इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, रात का किसी मर्डर के साथ क्या मतलब? हाँ अरे मेरा एक भाई है, मतलब मेरे चाचा का बेटा, उसका नाम एक बार अखबार में आया था वो मर्डर के लिए। अरे ज्योति भाभी, अरे वो तो अफवाह थी ना ज्योति। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना मेरे पूरे किस्से में। सर मैं ठहरा एक सीधा साधा फैमिली मैन। देखिए हमें आपसे कुछ जरूरी सवाल करने, आप सीधे सीधे चलिए वरना जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। जबरदस्ती? राज मैं भी चलती हूँ। भाभी आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ ना राजेश भाई के साथ। और हाँ पुलिस की गाड़ी में बैठते समय ज्यादा शोशा मत करना वरना हमारी सही दर्शन हाइट सोसाइटी में शोशा। हम ढोल नगाड़े बजाने वालों को बुलाएंगे अभी कि देखो देखो हमें पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं ऐसा। अच्छा राज सुनो, मैं ना वकील को लेकर जोगीनगर पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ सीधा, ठीक है? मम्मी पापा को तुम कुछ मत बताना। वरना भाभी आप कष्ट मत लीजिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया उन्हें क्योंकि मैंने साईं दर्शन हाइट सोसाइटी के सोल्जर ग्रुप पे मैसेज कर दिया है। मारो गोली इसको। मम्मी पुलिस प्लीज गो इनसाइड प्लीज प्लीज बेटा। लेकिन डैडी बात क्या है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम दोनों अंदर जाओ। जाओ प्लीज प्लीज सखी अथर्व को लेकर जाओ।
जाओ बेटा प्लीज चलो प्लीज जाओ जाओ राजू 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 आइए काका क्या बात है बेटा क्या हुआ राजू कुछ नहीं मुझे इनके साथ पुलिस स्टेशन जाना है हाँ क्यों 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 पुलिस स्टेशन क्यों जाना पड़ेगा बताइए क्यों लेके जा रहे हैं उसे मम्मी मम्मी प्लीज रिलैक्स मैंने कुछ गलत नहीं किया है मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम किसी मर्डर केस के बारे में बोल रही है हाँ क्या इंस्पेक्टर साहब देखिए मेरे राजू का किसी मर्डर वर्डर से क्या मतलब है और नहीं तो क्या अरे राजू तो पता है ऐसा लड़का कि जमीन पे चींटी नजर आए ना तो पैर हटा लेता है राजू जा तू जा पुलिस स्टेशन हम लोग स्ट्रांग है हम लोग बिल्कुल ठीक है हाँ वंदना वंदना तो और स्ट्रांग है ना मेरी तरह नो पैनिक नो पैनिक जा तू जा दो घंटे में राजू वापस आ जाएगा सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा देखो अगर नहीं आया ना तो मैं 200 रुपए की कुल्फी खिलाऊंगी सबको नहीं माँ इस बार आप गलत साबित होंगी एक घंटे में पापा वापस आ जाएंगे हाँ मम्मी लेकिन डैडी ने किसका मर्डर किया अरे अथर्व डैडी तो कॉकरोच तक को नहीं मारते चलिए सब लोग रबड़ी और घेवर खा लीजिए इम्पोर्टेड है हाँ तुम लोग रबड़ी इम्पोर्ट करते हो नहीं नहीं आंटी बाउल इम्पोर्टेड है 18,000 का पूरा सेट है किशमिश डालूं इसमें एक मिनट हाँ और क्या क्या है और इसमें ये पिस्ता ये काजू और ये बादाम क्या डालूं दुकानदार भी अंदर से आएगा क्या बाहर पधारो मारो देश गाते गाते कोई बात नहीं ये अंदर रख ले चल हम लोग बाद में खा लेंगे हाँ हंसते वाला नहीं मैं मुझे टेंशन होगा पता नहीं मेरे राजू की क्या हालत कर दी होगी उन लोगों ने सर प्लीज और मत मारिए सर हो गया ना सर प्लीज प्लीज सर तो इसको बोलो कि अपना गुनाह कबूल कर ले मैं कोशिश करूंगा तुम्हें अच्छे वाली जेल में डलवाऊं अच्छे वाली जेल में मतलब कौन सी यरौड़ा में तिहाड़ में डालेंगे तिहाड़ ठीक है लेकिन वो दिल्ली में है ना नहीं नहीं मेरी वंदना बेचारी खाना लेकर कैसे आएगी दूर पड़ेगा यरौड़ा ठीक है पूना के लिए बोरीवली में ही बस मिलती है यरौड़ा फिक्स कर दीजिए ठीक है यरौड़ा फाइनल एक मिनट मुंबई में कौन सी है अथर रोड जेल अथर हाँ अथर रोड नहीं आर्थर रोड होता है अर्थर रोड में डाल दीजिए ए बहुत कंफ्यूजन है इंस्पेक्टर साहब उंगली खींचिए उंगली क्या वंदना ऐसे टाइम पे उंगली खींचती उंगली खींचिए प्लीज राजेश भाई की उंगली खींचो सपने में क्या घूमर करने गए थे कटे गए थे तिहाड़ जेल या यरौड़ा जेल तो मुझे यरौड़ा नहीं जाना है मतलब तिहाड़ चलेगा नहीं नहीं मुझे घर जाना है प्लीज प्लीज मुझे घर जाना प्लीज 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 घर चलो रिकॉर्डिंग शुरू करो बाहर आओ चलो आप हमें जोगीनगर पुलिस स्टेशन ले जाने वाले थे ना यहाँ फिर क्यों सवाल सिर्फ हम करेंगे तुम सिर्फ जवाब दोगे डैडी को पुलिस मारेगी क्या वो क्राइम कबूल करवाने के लिए पुलिस मारती है
मैंने ऐसा फिल्म में देखा है। सीनियर वागले? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मा, दादाजी, ये देखो, मैंने ना पूडल किया था राजेश वागले, तो उस नाम के ना चार लोग निकले, और उनमें से कोई एक राजेश वागले की ना कोई क्रिमिनल केस चालू है। अच्छा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी पुलिस में, डैड ने कुछ नहीं किया अथर्व। अच्छा बेटा साखी, तुम देखो तो इसमें श्रीनिवास वागले कितने हैं शहर में? नहीं, मैंने ढूंढे तीन श्रीनिवास वागले। तीन? उसमें से एक ना सर्कस का जोकर है। ओह, वो तो मैं हूँ। मैं वो क्या है, जब राजू और मनोज छोटे छोटे थे ना बेटा, तो उन्हें हंसाने के लिए मैं ऐसा करता था, बंदर की चाल चलता था। ये मार्किंग देख रहे हैं जी? 31 दिसंबर को यहाँ हमें एक बॉडी मिली थी। इसे पहचानते हैं? जी नहीं। टेटा बॉम्ब नाम का खतरनाक गुंडा है ये, जानते हैं इसे? नहीं सर, मैं तो सादे वाले गुंडे को भी नहीं जानता। सवाल क्या था? नहीं मतलब सॉरी, मैं सुतली बॉम्ब जी को नहीं जानता। टेटा बॉम्ब? टेटा। क्या बचपन में ऐसे वो सुतली, रस्सी, लक्ष्मी बार, डबल बार, रेड फोर्ड, लवंगी, जमीन चक्री, टेटा बॉम्ब जी को मैं नहीं जानता। मिस्टर वागले, 31 दिसंबर को आप कहाँ थे? 31 दिसंबर को क्या क्या डेट थी? 31 बहुत अच्छी थी, तो 1 किलो पनीर कचौरी, 2 किलो वेफर्स, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स लिए। रात को हमारे घर में पार्टी थी ना इसीलिए, और उसके बाद में भैंस का दूध खरीदने गया मैं। दक्षिणेश्वर बना रही थी मेरी बीवी, वो पटना की है, लेकिन वो भैंस खत्म हो गई थी, दूध खत्म। सॉरी सर, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तो राजेश भाई, वो 31 दिसंबर को रात को 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक हम लोग इनके घर पर पार्टी मना रहे थे। देखा सर, ये लोग मेरे घर पर पार्टी कर रहे थे। हाँ, ये लोग मतलब सर आप भी तो थे राजेश भाई। तो मैंने कब ना कहा, मैं तो था ही ना, मेरा ही घर है ना सर। 801 साई दर्शन हाइट्स में मेरा फ्लैट है सर। साबित कर सकते हैं आप? बिल्कुल, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट, सोसाइटी रिसीट सब है मेरे पास। राजेश भाई, वो पूछ रहे हैं कि आप 31 को रात को वहाँ पर थे, वो साबित कर सकते हैं पार्टी में, है ना सर? ऐसा वो कैसे साबित करेंगे अभी? हाँ शायद शायद वीडियो किया था ना हमने। हाँ वीडियो मेरे 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 नया फोन है, रुको मैं अभी ज्योति को पूछता हूँ। रुको आप अभी ये क्यों खा रहे हो? ट्रांसलेट कौन करेगा फिर? यूं करके बोलोगे तो? हे वर्सो, कॉल ज्योति। सॉरी, कैन नॉट रिकॉग्नाइज योर वॉइस। ओ मोटू, कॉलिंग ज्योति। अब वो चलता है सर, यूं बात करता है सर। वंदना भाभी, हर्षद का फोन है मेरे 1 लाख के मोबाइल पर। ज्योति, तुम्हारे मोबाइल के दाम तो बदलते रहते हैं। शादी का तुम्हें मोबाइल के दाम की पड़ी है? अरे भाई ज्योति, बेटा फोन तो उठाओ ना। स्पीकर। हेलो ज्योति। हाँ? वो 31 तारीख को रात को हमने राजेश भाई के घर पे पार्टी मनाई थी, उसका वीडियो मिल गया। मत भेजना, मिल गया। हाँ, मिल गया सर। ये देखिए, सर ये क्या है, 10:15 बजे डेसिबल मीटर लेकर पहुंच गए थे ये जोशीपुरा जी हमारे फ्लैट में।
हमारे साई दर्शन हाइट्स के बायलॉज के हिसाब से रात के 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर्स आर नॉट अलाउड. रूल्स एटले रूल्स. जो फॉलो ना करे वो फूल. हाँ मिस्टर वागले. जी जी. टेटा बम का खून जिस हथियार से हुआ है वो हथियार हमें स्कूटर के ग्लव बॉक्स से मिला है. ये मेरा स्कूटर है. हाँ ये मेरा स्कूटर है. मालूम है हमें और खूनी भी इसी स्कूटर पे फरार हुआ है. बैंकॉक. हाँ ये स्कूटर मैंने मेरे दोस्त सुधीर आनंद को बेचा था. वो बैंकॉक में है. अरे हाँ सुधीर. सुधीर सर. सुधीर वो झालर रिवर्ट है बैंकॉक में. डुप्लीकेट कपड़ा की दुकान है सर. सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किसी और को बेचा हो. लेकिन स्कूटर के पेपर्स अभी भी आपके नाम पे हैं. हाँ सर वो दोस्त है तो इसलिए ट्रांसफर नहीं करवाया. कोर्ट में जब आपके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा तो आप वहां भी यही बोलोगे कि आपने पेपर ट्रांसफर नहीं कराए. हाँ सर मैं यही कहूंगा क्योंकि सच तो यही है ना. सर गलती हो गई. ये स्कूटर मैंने मेरे दोस्त के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया. और देखिए मिस्टर वागले. जी. और तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, खास करके तुम लोग. कभी भी कोई भी वाहन अगर किसी को बेचो तो मेक श्योर कि वाहन खरीदने वाले के नाम पे ट्रांसफर किया हो. वरना देखा ना ऐसी मुसीबत हो सकती है. हर्षित आपको याद है वो मेरे बहनोई के खटारे का एक्सीडेंट हुआ था. अरे क्या एक्सीडेंट हुआ था. वो तीन तीन लोग उड़ाए थे. अरे बाप रे. नहीं हर्षित आप हमेशा आधा बोलते हो. छह लोग उड़ाए थे. अरे हाँ सिक्स मारा था तभी. छह लोग उड़ाए तो खामखा बेचारे आपके बहनोई फंस गए होंगे ना बिना किसी कसूर के. नहीं नहीं राजेश भाई कसूर उनका ही था. उन्होंने खटारा किसी को बेचा नहीं था. वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे. ज्योति भाभी यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रांसफर ना करने से क्या मुसीबत आ सकती है. डैडी मम्मी जेल जा सकती है. क्यों? क्योंकि मेरे जो पुराने स्केच थे आपने आशा ताई से पहले निर्मला ताई को दिए थे याद है? हाँ तो. अरे हाँ राइट अथर्वा. बंधु निर्मला ताई ने अथर्व के भारी स्केट्स अपने हस्बैंड के सर पर मारे थे और निर्मला ताई का हस्बैंड अस्पताल में था. तो तुमने वो स्केट्स निर्मला ताई के नाम पर किए थे ना ट्रांसफर? कुछ भी यार आज स्केट्स कौन ट्रांसफर करता है. एक्सक्यूज मी आई एम नॉट जोकिंग. टेक्निकली स्पीकिंग स्केट्स नीचे पहिए तो वहां नहीं हुआ ना. अच्छा सेकेंडली बिल. बिल भी तुम्हारे नाम पे था. व्हाट नॉनसेंस. हां राज असो असो जोक था. अरे इंस्पेक्टर साहब वंदना ये स्केट्स. एक्चुअली सर वो स्केट्स तो मैं. क्या स्केट्स? एनीवे आपके लिए गुड न्यूज है. जी. असली अपराधी पकड़ा गया जिसने आपका स्कूटर चुराया था. क्या बात है. दैट्स ग्रेट न्यूज. जी इस पे साइन कर दीजिए. जी ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. अरे थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू नहीं प्लीज प्लीज आप आए तो कुछ खा के जाइए. अरे नहीं नहीं आप लोग. अरे नहीं नहीं प्लीज. हाँ वो हम लोग बस खाने ही जा रहे थे. इफ यू डोंट माइंड आप भी ज्वाइन कीजिए ना. ना मत कहिए. आइए आइए प्लीज प्लीज आइए. अरे सर क्या डरा दिया था आपने. पुलिस वैन में लेकर गए और फिर वो गट्टे की सब्जी खाई है ना. मोस्ट मोस्ट बच्चे की चड्डी. नहीं नहीं राजेश भाई ये गट्टे की सब्जी ट्राई कीजिए. ऐसा खा इन्होंने. बात करते हैं. हाँ गट्टे की सब्जी. चलिए चलिए खाइए खाइए. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.